दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह मांग करता हूं कि अपने देश में फेंकने की लिमिट तय की जाए। एक कानून बनाकर देश में माननीयों को उतना ही फेंकने की इजाजत दी जाए जितना देश आराम से लपेट सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई महानुभाव इतना लंबा फेंक दे कि उसे लपेटते लपेटते आम आदमी के हाथ ही दर्द से कराहने लगे। मैं ये मांग क्यों कर रहा हूं ये भी आप ठीक से समझ लें। देश में फेंकने का एक अधिकार पहले एक ही जनाब को था, लेकिन अब उनको इस मामले में एक दूसरे जनाब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों का नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनके कारनामे ही इतने मशहूर हैं कि आप खुद बखुद उनकी शख्सियत से रूबरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी छोटे वाले फेंकू जनाब ने फेंक दिया है कि दिल्ली सरकार के रोजगार बाजार पोर्टल के जरिए 10 लाख लोगों को नौकरी मिली है। कितने लोगों को? पूरे 10 लाख लोगों को। दिल्ली छोड़िए, पूरे देश में ललकार मच गई कि भाई क्या बंदा है, एक ही झटके में 10 लाख लोगों को नौकरी। आदमी है कि अवतारी पुरुष, नित नए चमत्कार करता है। जो लोग नौकरी नहीं पा सके थे वो जल्दी जल्दी अपनी सीवी बनाने में लगे, अपने बाल बच्चों रिश्तेदारों को हड़काने लगे कि कितने निकम्मे हो तुम लोग। दिल्ली के माननीय महापुरुष, स्वच्छ राजनीति के प्रतीक पुरुष, आम आदमी के मसीहा वहां राज दरबार लगाकर नौकरी बांट रहे हैं और तुम लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हो। प्रभु के दिल्ली रोजगार बाजार पोर्टल को रोज अगरबत्ती दिखाते रहो, कभी भी फिर दोबारा कृपा बरस सकती है। लोग बाग नहा धोकर पैंट शर्ट टाई शाई पहनकर टिफिन वगैरह पैक करके नौकरी पाने के लिए मुस्तैद हो गए, लेकिन उनका सुबह खराब कर दिया एक न्यूज़पेपर ने, एक अखबार ने उनकी सुबह खराब कर दी। उस अखबार का नाम है द हिंदू। अखबार ने अपने बेजान पन्नों पर दावा कर दिया कि दिल्ली वाले छोटे साहब ने नौकरी दिया है बस 12,588 को और दावा कर दिया है 10 लाख नौकरी का। दोस्तों, अब आप ही बताइए ये कोई बात हुई? थोड़ा बहुत का अंतर होता तो रफू कर लेते, चमड़े की जुबान की फिसलन मानकर दिल को बहला लेते, लेकिन कहां 10 लाख, कहां 12,588। कितना लपेटे लोग, फेंकने की भी एक हद होती है। फेंकना नापने की मशीन होती तो वो बेचारे भी ब्लास्ट कर जाते। दोस्तों, इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि देश में कानून बनाकर फेंकने की लिमिट तय की जानी चाहिए। लिमिट तय रहेगी तो लोगों को बड़ा झटका नहीं लगेगा, हार्ट अटैक आने का खतरा नहीं होगा। हम आम हिंदुस्तानियों को दिल जिगर इन दोनों महानुभावों की तरह सख्त नहीं है कि वो हर झटके को, खास करके ये जुमले और ये नौकरियों के इस झटके को बर्दाश्त कर ले। देश आज तक दिल्ली के बड़े वाले साहब के दिए झटके से नहीं उभर पाया है। जना फेंक दिए कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 8 साल गुजर गए, 15 पाई नहीं पहुंची। उनके दरबारी गण कह दिए कि पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा, पेट्रोल शतक मारकर मजबूती से दोहरे शतक की तरह बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसलिए मेरी मांग है कि देश में फेंकने की लिमिट तय की जाए, खासकर वहां जहां आंकड़ों की बात हो, फैक्ट्स और फिगर की बात हो। बाकी चीजों में फेंकने की पूरी आजादी है, जैसे बड़े साहब देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, विश्व महाशक्ति बना रहे हैं, हर किसी को जिंदगी में खुशहाली ला रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, देश में शांति सद्भाव और भाईचारा का बढ़ावा दे रहे हैं। इस टाइप के बातों में फेंकने के लिए दिल्ली के बड़े वाले साहब को पूरी छूट है। उसी तरह पॉलिटिक्स को पवित्र बनाने और आम आदमी की सेवा के मामले में फेंकने के लिए दिल्ली के छोटे साहब को भी पूरी आजादी है। खुद मुझे इस तरह के लफाजी से कोई शिकायत नहीं है। गालिब चचा की तरह मुझे भी पता है कि दिल को बहलाने के लिए इस तरह की बातें कहीं सुनी जाती हैं। बड़े साहब के साथी भी कह चुके हैं कि जनाब, जुमलों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाए, तो मैं भी ऐसी बातों पर कोई जोर नहीं देना चाहता हूं, लेकिन बाकी फैक्ट्स और फिगर्स वाले मामले में जरूर चाहता हूं कि इसकी फेंकने की लिमिट तय की जाए।
ताकि पब्लिक को लपेटने में ज्यादा परेशानी न हो। और मसला केवल पब्लिक की परेशानी का नहीं है, देश के मान और सम्मान, देश के प्रतिष्ठा का भी है। इसी कोरोना काल में, आपको याद होगा जब कोरोना काल था, उसी कोरोना काल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने पूछ दिया कि आप कोरोना संकट को क्यों नहीं ठीक से हैंडल कर पा रहे हैं, जबकि आपके हिंदुस्तानी सखा का दावा है कि उनके यहाँ कोरोना कंट्रोल में है। जवाब में ट्रंप ने कह दिया, भाई उसकी बात मत करो, वो चमत्कारी पुरुष है, कुछ भी दावा कर सकता है, हो गई अपने देश की तौहीन। तो दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि फेंकने की लिमिट तय हो, ताकि देश के लोगों का हाथ और देश का मान सम्मान सुरक्षित रहे। आप सबसे मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप भी मेरी मांग के समर्थन में मेरे साथ आएं, इस मसले को लेकर सरकार पर दबाव बनाएं और उनके कहें कि वो कानून बनाकर अपने फेंकने की लिमिट तय करें। नमस्कार।